ग्रेजुएटेड भाई, ग्रेजुएट हो गया मैं आईआईटी से। तो यार अभी अराउंड 11:40 हो रहा है, मेरे बर्थडे में 20 मिनट बाकी है ना। और मैं अभी जस्ट बाहर से आया हूँ, कॉलेज के बाहर से। VJTI कॉलेज गए थे हम लोग, वहाँ पे अपनी गर्ल्स टीम का मैच था, ठीक है। तो गर्ल्स टीम में सेमीफाइनल जीता, फाइनल भी जीता, एंड थोड़ी सी क्लिप्स मैं आपको उसकी भी दिखा दूंगा। और अभी 20 मिनट बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ ड्रेस चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता सेलिब्रेशन में मेरे फ्रेंड क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, एंड मुझे पता है कि कपड़े गंदे होने वाले हैं। तो एटलीस्ट टी शर्ट और ये तो हटा लेता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको मिलता हूँ अपने बर्थडे के साथ। तो मैंने चेंज कर लिया, अब मैंने ये वाइट टी शर्ट पहन लिया। और ये मैंने क्यों पहना, क्योंकि आप देख सकते हो पहले से थोड़ा गंदा है, तो मैं चाहता हूँ गंदी टी शर्ट ही गंदी हो जाए तो चलेगा, है ना। अभी आप देख सकते हो पूरा वाइट है, एक बार सेलिब्रेशन हो जाए उसके बाद इसका क्या हाल होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सब देखने के लिए, पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन देखने के लिए बने रहो आगे वीडियो में। यार ये GPL वाले सैनिक आ गए मुझे लेने के लिए। चलो विनीत सर। सैनिक मुझे कहाँ लेके जाओगे? बास्केटबॉल कोर्ट में। बाहरी हो तो मैं कैसे लोगों के पास नहीं कर सकता। क्यों डरता है तेरे से? क्या कह रहे हो? ये मेरे लगा भाई, भाई हल्ला यार, मुंह पे लगा दे भाई, डालो अंदर भाई, बाल खराब हो जाएंगे भाई, इसलिए तो डाला है खराब करने के लिए। अरे नहीं नहीं, अरे भाई, अरे नाक से, अरे ऐसे उठा के दिखा दो, बचा इसमें दिखाओ। मीनी ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड भाई, ग्रेजुएट हो गया मैं IIT से। सॉरी भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मार उधर जा रहा भाई, भाई भाई हर एक सब्सक्राइबर के अरे ये कंटेंट के लिए हो रहा है क्या? सर बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, GPL हो चुका है, एंड आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे का, बाल का, और मैंने बताया था वाइट टी शर्ट, तो उसका ये हाल हो चुका है। तो अभी यहाँ का सेलिब्रेशन डन है मोस्टली। अभी हम लोग शायद कहीं जाने वाले हैं बाहर, थोड़ा सा पार्टी वगैरह के लिए, तो जो खुला होगा उसके हिसाब से अभी चलेंगे। एंड आगे बने रहो सब कुछ देखने के लिए, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। तो वापस रूम पे आ गया हूँ मैं, पूरा केक से लगा हुआ है मेरे चेहरे पे, एंड अभी जाके मैं नहाने वाला हूँ एंड चेंज करके चलते हैं पार्टी करने के लिए। एंड यहाँ पे एक यूनिक चीज़ यार मुझे देखने को मिली है, एंड वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लोगों को कह रहा हूँ कि चलो यार पार्टी पे चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, एंड लोग मना कर रहे हैं एंड कहते हैं मेरे क्विज है, मेरे असाइनमेंट्स है, मेरे डेडलाइंस है। तो ये एक चीज़ मुझे IIT में काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिली, कि लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंस्टेड ऑफ पार्टी वगैरह, ना पार्टी तो वो करते ही है लेकिन काम फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है हैबिट मुझे उन लोगों का लगा, एंड आपको भी ये सीखना चाहिए अगर आपको किसी भी जगह पे आगे बढ़ना है तो, है ना। चलो नहा के मिलता हूँ आपसे। यार नहा के आ चुका हूँ मैं एंड तैयार हो चुका हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी तैयार होके आ चुके हैं, विशाल, अनमोल, आयुष। और अभी हम लोग जाने वाले हैं पार्टी के लिए, अराउंड 1:30 बज रहे हैं, पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएगा। तो चलो सीधे वहीं पे मिलते हैं। चलो मिलते हैं भाई। भाई अपने भूखे से आ रहे हैं इधर से, भैया को मैंने भी बोला एक बार लाइट जलाना, भैया कहते हैं पूरा जला लो। तो यार अभी हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और एक गाड़ी आगे जा रही है, और हम लोग यहाँ पे मैं, आयुष, विशाल और पुलकित आगे बैठे हैं। तो अभी यहाँ से निकल, पुलकित भाई यहाँ पे हैं, तो यहाँ से निकलते हैं और सीधे मिलते हैं आपको अपने ढाबा पे, है ना। क्यों विशाल भाई? यार रेस्टोरेंट में आ चुके हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे बहुत ही मस्त वाइब है, आप देख सकते हो। आयुष भी है, विपुल भी है, और बाकी लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, मुरली भी है, जयन और पुलकित, और सिंगला इधर बैठा है, कहाँ है सिंगला? तो चलो यार अब हम यहाँ पे मजे करते हैं। वाइब आप देख सकते हो काफी सेक्सी वाइब है, और ओपन पे है कैंडल्स,
यार मेरे कैंडल से खाना आना बाकी है, खाना आने तो पेट पूजा भी करता है यार, है ना भाई। खाना पीना डन है अपना, हम लोग निकल चुके हैं अभी रेस्टोरेंट से और ऑटो में बैठ चुके हैं, तीन चार लोग आगे कैब से निकल गए, कैब में पांच लोग बैठे हैं भाई हम लोग ऑटो में, तीन लोग पीछे और दो लोग ड्राइवर को इंक्लूड करें तो छह लोग हैं, ड्राइवर सर को इंक्लूड करें तो छह लोग हैं। तो चलो इसी पहुंच के आपसे मिलते हैं भाई। पुलकित भाई का, पुलकित भाई का फोन नहीं मिल रहा है, परेशान हो गया यार भाई, इधर रहना, ये देखना फोन ही फोन है भाई, कितने फोन भाई, किसने लिया है सच बताओ, ये देखिए आप इतना दिलदार है भाई, अपना फोन दे रहा है, वापस नहीं देगा ये, पासवर्ड नहीं बताऊंगा, वापस नहीं दूंगा भाई, तुड़वा लेगा पासवर्ड, सौ रुपए पासवर्ड ही बताओ और क्या लगते है भाई, पांच पांच दस रुपए लगे। विपुल तूने लिया क्या फोन, सच बता, सच में नहीं, चेक कर ले यार, नहीं भाई चेक कर ले नहीं है कसम से नहीं भाई, ये टुल्ली बिल्ली इसका फोन लेके भाग गया था और कितना खुश हो रहा है भाई, ये देखो ये देख, ये देख भाई पुलकित का फोन मिल गया भाई, प्रैंक मास्टर अनमोल, अब देखो पुलकित कितना खुश है भाई, भाई कैसा लग रहा है प्रैंक कर, प्रैंक का प्रैंक क्या भाई, मेरे को पता था अनमोल के पास ही होएगा, अनमोल भाई तुम इतने आसानी से क्यों दिए भाई इसको फोन, अबे ठीक है यार बहुत ज्यादा हो, थोड़ा गेम खेलना तो हो रहा है, मजा आ रहा था भाई, सही में लगा मैंने, अबे बेचारा का शक्ल देख, अभी तो भाई नींद आ रही है भाई मेरे को, आगे से फोन स्विच ऑफ मत करना, कल क्लास ये सीख मिलती है यहाँ से, और क्या आपका सुबह 8:30 वाले हैं, चलो यार अभी अराउंड सुबह के 5 बजने वाले हैं, तो रूम पे जाते हैं थोड़ा सा आराम भी करते हैं क्योंकि कल सुबह क्लासेस वगैरह भी जानी है, तो चलो बाय बाय, सुबह मिलते हैं आपसे।